वालेकुम सलाम, खैरियत? कैसा रहा सफर? वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरा पार्सल किस में मामू? इसमें वो आगे रख लेंगे जरा। कहीं को? अरे गिर जाता रे उसमें। कहीं को? अम्मा जरा सालाना भी जा रहे तो इसलिए गिर जाएंगे। नहीं पहले बोल देना था मेरे को, मैं ऐसा यूं पकड़ लेके लाता था। खाली पीली लगेज में डाला ना, वहाँ पायलट भी अनाउंस करा किसका कि मैं खाली पूरी डिक्की में गिर के तेल तेल हो गया बोल के। और क्या बोल रहा है कि हैदराबाद? अरे मामा क्या बोलूं, हैदराबाद में दब्बा के बारिश हो रहे। बाबा बाबा वाह, आखिरी बाइक पे निकले तो भीग जा रहे, कार में निकले तो घंटों ट्रैफिक में चल जा रहे। अरे परसों क्या हुआ मालूम, मैं गाड़ी लेके निकला कार तो 2 घंटे के बाद अम्मा फोन करे, क्या बोले जरा वापिसी में आते हो सौदा ला लेकर। बोला अम्मी अभी मैं घर के चौरस्ते का नहीं छू बोला। बाइक पे फिर लेना मामा, वहाँ सही रहता मालूम सुकून। अरे क्या हुआ, जाते हुए घड़ी थी हाथ पे अपनी है? अरे वो भैया उतार लिए रे। जाते हो तो एयरपोर्ट को बोले अरे मियाँ तू जाके वहाँ पे ले ले सकता ना, ले ले ये मेरे को दे दे, बोले तो दे दिया समझ। सही करा। वो सब चल मैं पार्सल लाया। अरे तेरा क्या दिमाग खराब है रे भाई, जाते हो तो एयरपोर्ट तक पार्सल करा, आते की तो पार्सल कर रहा। अरे नहीं मामू, बस पूछ ले रहा कन्फर्म आ गया तो बस है। जाते वक्त भी तुम यही बोले खाली पहुँच गया तो बस, खाली पहुँच गया तो बस बोल के तुम्हारा भाई वहाँ जाते के जैसा हाजिर हुआ जिनके जैसा। हाँ सुना मैं जाते की मिल लिया बोल के तेरे से। मिल लिया नहीं तुम भेजे उसको। अरे नहीं रे, उन्हें जब ही जा गया मैं उसको बोला था 1 आधे घंटे के बाद जा बोल के। एक तो साहब आके जान पे ठहर के पार्सल लिए, जब भी पार्सल दूसरा चिपका भी दिया मालूम, जाते खुद लिख जाओ कहते। अब हाँ मामू तुम्हारे लिए आसान हो जाता ना, एक तेरे को मालूम है अंदाजा हो जाता कितना लेके जाना है, वो तेरे लिए आसानी के वास्ते करा मैं। क्या करा मामा, तू जबरदस्त काम करा मामा। हाँ मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जाते किस तरह भाई आके मेरे को पार्सल दे दिया, फिर निकलने से 2 दिन पहले फोन करके बोल रहा भैया निकलते हो जरा बोलो पार्सल देना है कहते। नहीं मामू, जो पहले लाके दिया वो ड्राई आइटम थे रे, अब जो लास्ट में लाके दिया वो जरा फ्रेश आइटम है, अचार घी पापड़ मुरकुल ऐसा, समझ रहा? सही है, वही लाके दिया तुम्हारे भाई। तू लाया ना? क्या है गिरे भाई, पूरा पैक करा, लास्ट में थोड़ा सामान छूट गया, उसमें तेरा भी था। अरे मामू तुम मेरा छोड़ दिया? मेरा भी छूटा, वो सुने नहीं आया तेको? फिर क्या क्या लाया कि तू मेरा बाप? अरे बाप वो सामान खोले बाद बोल सकता हूँ मैं तेरे को, जहाँ तक मेरा ख्याल है तेरे कुर्ते पैजामे लाया, अचार लाया, पापड़ा लाया, सालाना लाया। हाँ तेरे चड्डियाँ छूट गए देख मामा। अरे मामू वो ही इम्पोर्टेंट थे यार, वो सब चीजें तो मिल जाते बाकी के। और क्या था, तेरा घी था, इतर था, मिठाई छूट गई देख तेरी। अरे मामू मिठाई इम्पोर्टेंट थी यार, वो भी छोड़ दिया तुम, बाकी सब चीजें तो मिल जाते थे। तुम को पहले बोलते तो मैं खाली मिठाई और चट्टी लाता था, पूरे चीजें छोड़ देता था तुम्हारे। अरे नहीं मामू तुम तो किराकी जो जा रहे हो। तो क्या मिठाई नहीं मिलती यहाँ? अब हैदराबाद बोले तो नागू चाला स्टम मामू, मालूम ना तुम्हारा को सब चाला स्टम। अच्छा अब जान दे वो सब क्या खाएगी वहाँ पे, गली गली होटल खुल गया कहते ना। अरे भैया होटलों का तो बोलो नको तुम। हाँ। क्या होटल, हर जगह खाली लोगों का, कहीं भी जाओ क्या चल रहा है मालूम? हाँ। क्या खाते बोलो, मंगा तुम 5 मिनट में, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, लोगों के चुल्लों में धूल जम जा रही भैया वहाँ पे, खाली ऑनलाइन चल रहा मसला। हाँ। अरे चौरमे के नाम पे तो जो बना रहे है ना भैया वहाँ पे, इतने गोश्त में इतनी गोभी डाल रहे, इतने टमाटे डाल रहे, खीरा डाल रहे, वो रुमाली रोटी में ऐसा मायनीज भर दिए तो ऐसा शोरमा खाए खाए तक रोटी तक गिर के शोरमा बाहर गिर जा रहा, पब्लिक खा रही। और मंदी के साथ तो क्या खतरनाक हिस्सा कर दिया मालूम, कौन की एक बार शुरू में गलती से मंदी के साथ मायनीज रख दिया भैया, लोग ऐसा मिला के लच्छी पच्ची करके खा रहे मंदी के साथ। अपन जिंदगी में नहीं देखे यहाँ पे मायनीज के साथ मंदी खा रहे सो। और खतरनाक बोलूं तुम्हारे को, इडली दोशे वड़े की तो कोई टाइमिंग ही नहीं रही, कड़ी धूप में दोपहर में ठहर के लोग दोशा खा रहे, शाम में दोशा खा रहे, आधी रात को दोशा खा रहे, कोई दिन ईमान नहीं रह गया इडली दोशे का वहाँ पे। यारो दोशे तो अपने सुबह के आइटम आते बचपन में। अरे भैया आप 24/7 होगा दोशा मालूम है, दोपहर में पब्लिक दोशा खा के कड़ली चाय मार के पान दबा लेके और मोमो कहाँ है बोल के फोन करते। अरे पान से याद आया, अरे मामू तुम डब्बे पे गए सोते को मेरे को पान ने ला लेना। पहले तो आप गलत बात बोल रहे हो, वो डब्बा नहीं होता, इट्स पान महल। हाँ और सेकंड चीज, तेरे को क्या पान याद नहीं मिलता? मामू तुम्हारे को मालूम ना हैदराबाद का बोले तो नाकु चाला स्टम। क्या है गिरे भाई तेरा, खैर क्या बोल रही है हैदराबाद की पब्लिक?
पब्लिक क्या बोलती मामा, वहाँ रहे तो लोगों को क्या बोलती मालूम, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता तू बाहर चले जा बोलती। जो बाहर से लोग जाते ना लोगों को क्या बोलते मालूम, कब तक करते वहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे भोजी साय करने को बोलते। हाँ सही में, हाँ भैया वहाँ के लोग मस्त है पट्टे माशाल्लाह। तुम वहाँ जाते ना क्या बोलते मालूम तुम्हारों को, और मामा कुछ गाड़ी लिए वहाँ पे बोलते, आप बोलते मेरे पास फलाना फलाना गाड़ी था, वो गाड़ी इतनी छोटी गाड़ी, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, वो भी चार ले ली हम लोग ऐसा बोलते। लेकिन फिर जब कहीं बाहर फिरने जाते ना पेट्रोल आप ही चलाना है, आप बाहर से आना साहब। अरे ये क्या बात हुई, आप जाते किस क्या बोलते मालूम दोस्त, अरे तू वहाँ क्या खाया कैसा रहा कि नहीं मालूम, चल तेरे को जबरदस्त चीजा खिलाते ये वो बोल के ले आते, पूरा खा लिए बाद पैसे आप ही देना है। अब ये कही हूँ आप बाहर से आना साहब। खैर बट अपने को सब चीजा मैटर नहीं करते पैसे ऐसे, अपने को क्या है वो गैदरिंग होना, वो दोस्त आना, वो एक वर्ता आता समझ समझे। अरे भैया बहुत पाश हो गई थी पब्लिक, हाँ अपन पहले कैसा खाली एक दावत आई तो साफ कपड़े पहन लेते चले आते थे ना, वैसा नहीं है भाई, खाली चबूतरे पे भी बैठना है तो टिपटाप होके जा रही पब्लिक। अरे दूर दराज के लोगों की भी शादी रहे ना तो पहले शॉपिंग होती, हाँ मैचिंग के कपड़े होते, शूजा होते, टोपी होती। अच्छा तुम्हारा मालूम है कोई भी हज्जाम के पास नहीं जा रहा, मेंस पार्लर को या सैलून को जा रही, हाँ जाके फिर जो है कटिंग वटिंग करा लेके, शेव वेव करा लेके, फिर खानदान में एक आध तो भी लीडर निकल जाता, उसकी फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो ले लेके आते, फिर उसमें पट्टे बैठ के जाते थे दावत में, फिर स्लो मो में एक वीडियो उतरती, जरूरी है ना, फिर वो जब इंस्टा पे चढ़ती तो फिर पूरे शॉपिंग के कटिंग के पूरे पैसे वसूल होते। अच्छा तुम हाईलाइट सुनो, भाई पूरी मर्फे की तैयारी में जा रहे लेकिन नाच रहे नहीं, दो जने उनको पकड़ के लाना है जबरदस्ती। अच्छा उसके बाद जब उन्हें शुरू हो जा रहे तो फिर चार जने भेजने उनको रुकाने, चलो भाई खा लेंगे। हर चीज के स्टेजेस है मामा वहाँ पे, ऐसा डायरेक्ट ना रहता सब। हाँ वहाँ पे कोरोना क्या बोल रहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो गया ना वहाँ पे। भैया तुम वहाँ गए ना तो वहाँ को ऐसा दिखता ना वहाँ पे अब है ना कभी आई जिंदगी में वहाँ बीमारी, इतनी कही को ऐसा चिल आउट मसला है वहाँ पे। मुँह पे तो छोड़ो रोड पे पड़ा हुआ भी नहीं दिख रहा मास्क। अरे हाँ अरे वो क्या की फिर क्या की मलेरिया खांसी बुखार क्या की चल रहा। अरे भाई सर्दी बुखार डेंगू मलेरिया तो चल रहा लेकिन एक पैसे की एहतियात नहीं कर रही पब्लिक वहाँ पे। अरे भाई रोड इधर है फुटपाथ इधर है, इधर थूक लेते हुए जाते, इतने बड़े पैंडेमिक में से निकले जरी एहतियात तो करना लोग, नहीं टेल टू ब्रिंजल है मसला। अच्छा आप एहतियात करते ना वहाँ जाके, क्या मुनमुनी जान बन रहा, अरे भाई पौधा मार रहा तू बोलते। वो क्या है कि मेरे को जब से तू मिला मेरा नाक गुनगुन गुनगुन कर रही। मुबारक आपको हैदराबाद का वायरल लग गया। ये क्या बात करा नू, हैदराबाद चाला स्टम का था।